हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी स्टडी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। चाहे आप रेलवे ले लीजिए, एसएससी या फिर कोई अदर कंप्यूटर एग्ज़ाम, कैलेंडर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक या दो क्वेश्चन आएंगे और इसमें अगर आप टाइम लगा देते हैं 2 मिनट 3 मिनट, तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। मैं आपको एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा आज, जिससे आप सिर्फ दो सेकेंड में आप क्वेश्चन हल कर दोगे। ठीक है, ये काफ़ी ईजी टॉपिक है, रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप जैसा कि मेरा थंबनेल में देख रहे होंगे, 26 जनवरी 1948, इस दिन कौन सा दिन था, इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। अभी एलपी का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन आए हैं। मैंने क्या किया है, एलपी में जितने क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन को मैंने उठा लिया है और उसी को मैंने सॉल्यूशन करके आपको दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं तो आपको इसका क्या जो कॉन्सेप्ट है, क्या ट्रिक है, मैं उसको पहले समझा देता हूँ, उसके बाद फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि कोड, मंथ का कोड कैसे हम याद करें। मंथ का कोड याद करना में ही सबसे बड़ा दिक्कत है। ठीक है, अक्सर हर जितना वीडियो देखिएगा, हर वीडियो में नया नया ट्रिक मिलेगा, नया नया कोड मिलेगा। आपको सिर्फ एक कोड याद रखना है, उसी कोड से सारा क्वेश्चन हल करना है। मैं ये जो फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसी फॉर्मूला के हेल्प से सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। कैलेंडर का जितना भी क्वेश्चन है वो सारा सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, मंथ कोड हम याद कैसे करें, तो मंथ कोड याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैंने यहाँ मंथ लिखा हुआ है और नीचे कोड लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करें, देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, पहले ये तीन को ले लो, तो 033, उसके बाद लास्ट थ्री का ले लो, 035। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टाइम जो थर्ड बच रहा है, अप्रैल, मई, जून, इसको ले लो, फिर इसको ले लो, कैसे, 033 035। ठीक है, दो का इंक्रीमेंट हो रहा है, 033 035, फिर क्या है, 614 625, एक एक इंक्रीज कर रहा है। देखो, एक से मैंने दो हुआ, चार से का मेरा पाँच हो गया, और पहला वाला में क्या हो गया, 3 से 5 हो गया। ठीक है, आप इसको सुबह शाम 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे, याद हो जाएगा अपने। सुबह शाम 2-3 बार देखो, जब क्वेश्चन बनाओ तो इसको सामने लिख के रखो, आपको याद हो जाएगा। मेरे को याद हो गया है क्वेश्चन, ये जितना ये कोड है मेरे को याद है। सिर्फ याद करना क्या है, 033 035 614 625। उसके बाद आते हैं मंथ, ये डे का कोड। तो डे का कोड आप मंडे से स्टार्ट करो, संडे तक जाओ। ठीक है, तो मंडे का कोड होता है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे नीचे जाएगा। 7 मानिए 0, 7 लो या 0 लो, बात एक ही है। ठीक है, अब इस पर बेस्ड फार्मूला क्या है जिसका हम लोग यूज करेंगे सारे क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है, तो मेरा फार्मूला है कि लास्ट 2 और 3 डिजिट ऑफ द ईयर। ठीक है, लास्ट 2, 3 और 3 डिजिट ऑफ द ईयर। अब आप पूछ रहे होंगे 2 या 3 डिजिट कब लेंगे, तो मैं आपको आगे जब क्वेश्चन कराऊंगा तब बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद ईयर बाय 4, जो ईयर यहाँ मैं लिखूंगा उसका डिवाइड करूंगा 4 से, उसका जो क्वेश्चन आएगा उसको यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद मंथ कोड जो ऊपर मैंने बताया, ये मंथ कोड होगा। उसके बाद जो डेट मेरा गिवन रहेगा, डिवाइडेड बाय ये मेरा 7। ठीक है, अगर जो मेरा गिवन ईयर है वो अगर लीप ईयर है और उस मंथ का, मैंने कि जनवरी, उस ईयर का जनवरी या फरवरी मंथ का आपको डे पूछा जाए, तब जो आपका यहाँ का जो यहाँ आपका रिजल्ट आएगा, जो भी मेरा रिजल्ट आएगा उसमें -1 कर देना है। ठीक है, वही मेरा डे हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन लेके बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने ले लिया 21 1900। ठीक है, 2001 मैंने 20 जनवरी 1900 में कौन सा मेरा दिन था। तो सबसे पहले देखिए, मैंने क्या बताया था कि आपको लिखना है लास्ट 2 और 3 डिजिट। जब भी मेरा अगर 2000 के नीचे होगा तो हम लोग 2 डिजिट लेंगे, अगर 2000 के ऊपर होगा तो 3 डिजिट लेंगे। जैसे कि मान के लीजिए 2000 मेरा 13 है, तो हम जो कोड लेंगे वो 113 लेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे 2000 अगर 15 है तो हम लेंगे 115। ठीक है, यानी 1 ऐड करना है यहाँ पर, 0 की जगह यहाँ, इसीलिए मैं बोला था कि 2 और 3 डिजिट। ठीक है, पहले अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में मेरा है कि 20 जनवरी 1900। ठीक है, तो इसमें मेरा 2000 के नीचे है तो इसका लास्ट 2 डिजिट लेंगे। ठीक है, तो मैंने ये 00 ले लिया, ये 00।
ठीक है, जब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से तो डिवाइड तो होगा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ 0 लिख दिया। ठीक है, अब ये जनवरी का कोड क्या होता है, जनवरी का कोड मेरा 0 था, ठीक है, 0 33 0 था, मैंने 0 लिख दिया। और डे मेरा कौन सा गिवन है, 20, मैंने यहाँ 20 लिख दिया। ठीक है, अब ये सबको जोड़ दो और 7 से जोड़ दो और 7 से बस डिवाइड कर दो। तो 7 से आप डिवाइड करोगे कितना बार में ये, अगर आप कंप्लीट डिविजिबल है कोई दिक्कत नहीं है, कितना बार मैक्सिमम में ये डिविजिबल होगा, जो रिमाइंडर बचेगा वही मेरा आंसर होगा। तो ये देखो कि 20 को 7 2 14 दो बार में जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 6। ठीक है, तो ये मेरा 6 होगा आंसर। अब 6 का कोड मेरा क्या था भाई, तो 6 का मेरा कोड था सैटरडे, तो आंसर होगा मेरा सैटरडे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि आप तो बोले थे कि जनवरी में -1 करते हैं तो क्यों नहीं किए, तो भाई मेरा ये जो 1900 जो मेरा आया ये मेरा लीप ईयर नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो जब मेरा 1900 है, अगर इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा डिविजिबल नहीं होगा, कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, अर्थात ये मेरा लीप ईयर नहीं है। ठीक है, हम एक लीप ईयर लेके देखते हैं कि लीप ईयर में हम कैसे करेंगे। लीप ईयर का एक एग्जांपल ले लिया मैंने, 20 जनवरी 1904। ठीक है, तो सबसे पहले कि मैं लास्ट टू डिजिट, ठीक है, लास्ट टू डिजिट 04 04 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या है, इसको हम डिवाइड करेंगे बाई 4, 04 को डिवाइड करें, 04 को हम डिवाइड करेंगे बाई 4, तो मेरा क्या होगा, 1 बार में जाएगा। ठीक है, 1 बार में कटेगा, तो इसमें ने यहाँ 1 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मेरा मंथ कोड मेरा क्या है, जनवरी का मंथ कोड क्या होता है हमारा, 0, तो मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मेरा डे क्या है, 20, तो मैंने 20 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आप सबको जोड़ दो, उसके बाद डिवाइड बाय 7 कर दो, तो जोड़ने में 25 आया, और 25 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये मेरा 7 2 14 7 3 21 तीन बार में जाएगा, और बचेगा रिमाइंडर मेरा 4, तो मैंने यहाँ 4 लिखा। ठीक है, और ये मेरा लीप ईयर था, याद है ना, लीप ईयर में क्या करना था, -1 करना था, तो लीप ईयर में मैंने -1 कर दिया, तो आंसर तो मेरा आया 3, और 3 किसका कोड है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यानी 3rd। ठीक है, तो ये मेरा वेडनेसडे हो गया। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एलपी में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, और कुछ इस अभी जो हुआ 2018 में एग्ज़ाम, उस पर एग्ज़ाम आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 14 05 1908। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है कि देखिए मैंने क्या, लीप ईयर है तो जनवरी और फरवरी मंथ रहेगा, तभी आप -1 करोगे, अन्यथा -1 नहीं करोगे। ठीक है, तो 08 मैंने लिख दिया, लास्ट टू डिजिट लिख दिया, टू डिजिट, उसके बाद 08 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो मेरा बचेगा, मेरा कितना बार में जाएगा 08, ये मेरा 2 बार में जाएगा, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मेरा मंथ कोड क्या है, मंथ कोड क्या है, 5 किसका होता है, मे का होता है, तो मेरा मे का कोड क्या है, 1। ठीक है, मे का मेरा कोड होता है 1, तो मैंने 1 लिख दिया, और डेट मेरा क्या है, 14, तो मैंने 14 लिख दिया। आप इसको ये कर सकते हो कि आप सबको जोड़ के यहाँ लिख के बाद में 7 से डिवाइड करोगे, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे काट, यहाँ से आप काटो, जो रिमाइंडर बचता है उसको लिखो, उसको ऐड कर दो, जैसे कि मैंने किया, 8 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो मेरा रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, 2 तो कटेगा नहीं, 1 कटेगा नहीं, छोटा है, इसीलिए अब 14 को जब काटेंगे तो रिमाइंडर मेरा 0 बचेगा, तो ये 0 हो गया। ठीक है, तो अब ऐड कर दो जो बाकी बचा, 2 + 2 + 1 + 1 यानी 4 4। अब ये तो हम जान रहे हैं कि ये मेरा जो 5 है, मे लीप ईयर है लेकिन मे है, तो हम -1 करेंगे नहीं, तो 4 किसका कोड है भाई, तो 4 मेरा थर्सडे का कोड है, तो आंसर मेरा क्या हो गया, थर्सडे। देखें कितना इजी ट्रिक है। अब हम कुछ ले लेते हैं 2000 के ऊपर वाला। ठीक है, मैंने ले लिया, चलिए 20 फरवरी 2000। ठीक है, इसको हम कैसे करें, तो सबसे पहले ये मेरा 2000 लीप ईयर है कि नहीं, ये तो मेरा लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है, 4 5 या 20। ठीक है, ये कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है, तो ये मेरा लीप ईयर है। ठीक है, तो
मैंने क्या बताया था, अगर 2000 से ऊपर लेता है तो हम क्या करेंगे, 3 डिजिट लेंगे और पहले 1 लगा देंगे। तो लास्ट 2 डिजिट कितना है मेरा यहाँ पे, 00, अब मैंने फिर 1 लगा दिया, 00 और लास्ट में मेरा 1 लगा दिया, ठीक है। तो मैंने 1 लगा दिया यहाँ पे, तो ये हो गया मेरा 100, ठीक है। उसके बाद 100 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा 25 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ 25 लिख दिया। उसके बाद मेरा 3 क्या है मेरा, ये आपका कोड है फरवरी का, फरवरी का मेरा कोड होता है 30, क्या क्या था, 033, तो ये मेरा कौन सा है 3, तो मेरा 3 कोड हो गया यहाँ पे, ठीक है। और मेरा डे है 20, तो मैंने यहाँ 20 लिख दिया। उसके बाद वही आप चाहे जोड़ लो या फिर जिस तरह मैंने बताया उस तरह कर दो, डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड करो, ठीक है। तो मैं यहाँ से करता हूँ, तो 7 को आप 7 को डिवाइड करो 100 को, ठीक है, रिमाइंडर बचेगा 1, ठीक है। उसके बाद सॉरी 7 को मैंने डिवाइड नहीं किया, 100 को डिवाइड नहीं किया, मैंने 7 को 25 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर मेरा बच गया 4, 3 तो कटेगा नहीं, और ये 20 को जब काटा 7 टू 14 बचा रिमाइंडर 6, तो मैंने 6 लिख दिया। तो बाकी सबको ऐड कर दो, 6 4 10 3 13, 113 हो जाएगा। अब 113 को मैं डिवाइड करूँगा 7 से, तो मेरा कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा मेरा 1, ठीक है, मेरा रिमाइंडर 1 बचेगा। देखिए 7 7 बचा कितना आपके पास, 7 7 7 3 10 4 4 बजे 7 6 42 बचा रिमाइंडर 1, तो 1 हो गया। अब ये मेरा देखिए, एक तो मेरा लीप ईयर है और मेरा जो डे पूछ रहा है किसका डे पूछ रहा है, मेरा डे पूछ रहा है फरवरी का। अगर लीप ईयर में फरवरी या जनवरी हो तो हम करते हैं क्या, -1, तो उसमें हम फिर -1 कर दिए, तो -1 की तो मेरा आ गया 0। तो 0 किसका कोड होता है, मैंने बताया था ना, 7 या फिर 0 हो तो ये कोड होता है मेरा संडे का, तो मैंने यहाँ संडे लिख दिया, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ले लिए 26 अप्रैल 2007, ठीक है। तो ये 2000 से ऊपर है तो इसका मैं 3 डिजिट लूँगा, पहले लास्ट 2 डिजिट क्या है मेरा, ये 07 है, ठीक है, ये 07 है, तो उसमें 1 लगा देना है, तो 107 हो गया, प्लस 26 प्लस 6 और प्लस 26, ये होगा, ठीक है। उसके बाद आपको सबको ये कर दो, काट दो 107 को, 7 से काटोगे तो मेरा रिमाइंडर 2 बचेगा, ठीक है, 7 7 7 बचा कितना आपके हाथ में 3, और 7 से 42 होता है ना, 7 5 35 35, और बचेगा यहाँ रिमाइंडर 2, ये काट दो, रिमाइंडर बचेगा 5, ये 6 6 को कटेगा नहीं, और ये 26 को काटोगे तो बचेगा रिमाइंडर 5, ठीक है। अब सबको यहाँ हम ऐड कर देंगे, 5 5 10 2 12 12 12 6 18 18 को फिर डिवाइड करेंगे 7 से, तो मेरा बचेगा 4। ये तो मेरा है नहीं जनवरी और फरवरी, और ये लीप ईयर भी नहीं है, तो हमको सोचना ही नहीं है। तो 4 कोड किस किस का कोड होता है, 4 होता है हमारा थर्सडे का कोड, तो यह थर्सडे आंसर हो गया, ठीक है, ये हो गया इसका। अगर मान के चलिए आपका 1800 में आए, 1800 या फिर आपका 1700 1600, प्रायः इस पे क्वेश्चन आता नहीं है, प्रायः 1900 से 2000 के बीच में ही क्वेश्चन आता है, अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए एक सिंपल आपको एक कुछ 2-3 ये है वो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर आपका ईयर जो है 1600 में ईयर है तो आपको 6 होगा, ठीक है, 1700 में है तो 4 होगा, 1800 में है तो 2 होगा, 1900 में होगा 0। आपको याद कैसे करना है इसको, आप सिंपल लिख दो 1600 1700 1800 1900। अब क्या करो, 6 4 2 0 आप लिख दो डिसेंडिंग ऑर्डर में, 2 2 का इंटरवल में 6 4, या फिर आप नीचे से ऊपर जाओ 0 2 4 6, ठीक है। तो आपका ये कहाँ यूज होगा, आपका जो भी फाइनल जो रिजल्ट आया उसमें आपको ये ऐड कर देना है, ये जो मेरा ये जो लिखा हुआ है ये बस आपको ऐड कर देना है, ठीक है, वही आपका होगा आंसर। आपको एक एग्जांपल लेके दिखा देते हैं, एक एग्जांपल ले लिए, जैसे 15 15 08 1856, ठीक है, ये तो मेरा बैक का है, तो इसमें हमको क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट 2 डिजिट मैंने ले लिया 56, ठीक है। उसके बाद मेरा 56 को अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 1 4 और 4 4 16, मैंने 14 टाइम्स में जा रहा है इसलिए यहाँ 14 लिख दिए। उसके बाद क्या किए, मेरा 08 इसका कोड क्या है, तो मेरा कोड है उसका होता है 2, तो मैंने 2 लिख दिया।
उसके बाद मेरा डे डे कितना है 15, मैंने 15 लिख दिया। अब क्या किया मैंने, सबको ये कर देखो, 7 का पहाड़ा में तो 56 कट जाता है 8 टाइम्स में, तो यहाँ मैंने रिमाइंडर 0 बचेगा, 14 ये भी मेरा 0 हो जाएगा। उसके बाद ये 2 नहीं कटेगा, 7 2 14 बचेगा रिमाइंडर 1, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, ठीक है ये गलत में यहाँ लिखा हुआ है, तो 2 + 1 ये मेरा ये नहीं है, 2 + 1 मेरा बचेगा 3, ठीक है। अब क्या करना है 18 का क्या मैंने बताया था, 16 का मेरा कितना था 0 था, सॉरी इसमें मेरा 18 का मेरा 2 वैल्यू होता है, ठीक है 2 वैल्यू होता है, तो मैं इसमें 2 वैल्यू को ऐड कर दूंगा, 3 + 2 मेरा जो भी आया 5, ये मेरा 5 का कौन सा डे है, 5 मेरा कौन किस दिन पड़ता है, 5 आपका पड़ेगा जनवरी फरवरी सॉरी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा फ्राइडे, ठीक है। इसमें दूसरे टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, मैं कुछ आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो एलपी में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैंने सॉल्यूशन भी कर दिया है, इसको आप देख देखिए और नोट डाउन करके आप खुद से सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा क्वेश्चंस को, मैं पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें जो दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। मैंने लिंक में कुछ बुक्स दिए हुए हैं, उस बुक्स को आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, वो काफ़ी अच्छे बुक हैं, ठीक है। थैंक यू।